let's get started. Every single day I'm gonna make. Hey guys, welcome or welcome back to my channel Abhiksha. I hope you all are doing great. तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे पास जो कुछ झुमकीज़ और मेरे यू नो हैवी इयरिंग्स का कलेक्शन है, तो आज मैं आपके साथ वो शेयर करने वाली हूँ जो कि मुझे एक इंस्टाग्राम स्टोर की तरफ से आया है. तो अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हो कि मेरे पास कौन कौन से इयरिंग्स हैं जो कि नए हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलेगा. ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि ज़्यादातर लोगों के तक ये वीडियो पहुँचे और ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो और वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें. तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ इयररिंग्स, बट उससे पहले बात कर लेते हैं एक प्रोडक्ट के बारे में जो कि मेरे पास है, काजल. बिकॉज आज मैंने काजल नहीं लगाया तो पहले काजल लगा लेते हैं, उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले मैं काजल लगा लूँ. तो मैंने अभी लगा लिया है काजल, और काजल लगाने के बाद आंखें अपने आप थोड़ी सही लगने लगती हैं. मेरी आंखें बहुत छोटी लगती हैं, आई डोंट नो व्हाई, जबकि मेरी आंखें अच्छी खासी बड़ी हैं. एंड जब मैं स्माइल करती हूँ तो आंखें तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती हैं. आप देखो बस, अब नोटिस करना आप, ये देखो आप कितनी छोटी छोटी सी आंखें लगती हैं. तो बस यही एक प्रॉब्लम है मेरे साथ. तो मैंने अभी ये काजल लगाया है. पहले मैं आपको बता देती हूँ मैंने काजल कौन सा लगाया है. तो मैंने लगाया है ये NY बेकर द बिग एप्पल ऑफ माय आई का काजल, जो कि बहुत ही अच्छा है, बोल्ड है, ब्लैक है. एंड अगर आप मेरी मेकअप वीडियोज़ देखते हो तो ज़्यादातर मैं ये भी यूज़ करती रहती हूँ, मतलब लाइक बहुत यूज़ करती हूँ. तो ये जो काजल है, मैं इसके भी कुछ क्वालिटीज़ आपको बता देती हूँ. सबसे पहला काजल है कि ये स्मच प्रूफ है. आप इसको स्मच करोगे तो ये स्मच प्रूफ है. ऑल्सो ये जो है ये वाटर रेजिस्ट है. आप कभी भी मुंह धुलोगे, कई बार होता है ना बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है तो काजल बह जाता है तो वो गंदा सा लगता है, तो वो चीज़ इसके साथ है कि ये आपका बहेगा नहीं काजल. ये जो काजल है ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, तो आपकी आंखों के लिए बहुत ही अच्छा है. बिकॉज आंखें बहुत ही सेंसिटिव होती हैं, तो आंखों के लिए कुछ भी यूज़ करने से पहले आपको दो बार सोचना चाहिए. अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सबसे पहले मेरे पास है यहाँ पर एक रेड कलर की झुमकी टाइप की इयरिंग्स. इसमें मोस्ट ऑफ द इयरिंग्स जो है वो झुमका टाइप की हैं, बिकॉज आजकल थोड़ा ट्रेंड में है. एंड एज यू गाइज नो, मुझे थोड़े से ना हैवी वाले और झुमके वाले इयरिंग्स ज़्यादा पसंद आते हैं, जस्ट बिकॉज मेरा जो फेस है वो थोड़ा सा गोल है. सो आई हैव ये वाला पेयर. दिस इज़ सो ब्यूटिफुल, मरून कलर में है. एंड इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे बट मैंने यही वाला कलर लिया बिकॉज मैं चाहती थी कुछ यू नो ऐसा कलर लेना जिसकी झुमकी मेरे पास ना हो, थोड़ा सा झटाक सा कलर, तो ये वही वाला कलर है. एंड अभी ओ माई गॉड, ये जो गोल्ड होता है ना, एक बार पहन लो तो फिर बड़ा दिक्कत करता है उतारने में. सबसे दिक्कत गोल्ड पहनने में ही होती है. सो मैं आपको पहन के दिखा देती हूँ जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका फुल लुक कैसा लग रहा है. दिल मुरमुरे मिला के, सी दिस, दिस इज़ सो ब्यूटिफुल. आपका लंबा फेस है, आपका गोल फेस है, ये सब पर अच्छा लगेगा. मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद आया. थोड़ा सा मीना करी वाला डिज़ाइन है ना, तो बहुत ही सुंदर सा लग रहा है एंड अच्छा सा लग रहा है. लाइक पूरे लुक को आपके कंप्लीट कर दे. अगर आपने कुछ भी नहीं पहना तो आप बस एक इयरिंग पहन लो एंड यू आर गुड टू गो. का इंस्टाग्राम स्टोर है वो मैं ज़रूर मेंशन कर दूंगी, तो आप उनसे जाके ना डायरेक्टली पूछ लेना कि इसका क्या प्राइस है, वो आपको बता देंगे. नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला पीस. ओ वाओ, मतलब ये कलर तो आई थिंक मैंने पहली बार ही लिया है, ये वाला कलर. ऑल्सो ये जो बैंगल आप देख रहे हो ये भी सेम इंस्टाग्राम स्टोर का है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर चेकआउट करिएगा. तो ये उन्हीं के स्टोर का है, तो अगर आपको ये बैंगल भी लेना है तो आप इन्हीं से ले सकते हो. तो सबसे पहले मैं दिखा दूँ आपको पीस. ओ वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल सा पीस है. मतलब आप मेरे सारे ये जो झुमके देखोगे ना, आपका दिल खुश हो जाएगा. ये सारे इयरिंग्स बहुत ही नए हैं. सबसे पहली बात तो बहुत न्यू इन ट्रेंड है और बहुत ही अलग से हैं. मतलब सेम सा नहीं है, जो सब पहनते हैं वैसा सा नहीं है, कुछ अलग सा दिखेगा. तो ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे.
है, थोड़ा सा वाइट इन कलर में है, तो जो ऐसे लाइट से कलर होते हैं ना, ये भी बड़े सुंदर लगते हैं। बस ये है कि थोड़ा सा चूज करना पड़ता है कि आपको किसके साथ इन्हें पहनना है, बट ये बहुत ही प्यारे हैं ना। थोड़ा सा ऐसा टेम्पल वाला डिज़ाइन मुझे तो बड़ा सुंदर लगा, ये अलग सा है, काफ़ी अलग सा है, ऐसा मेरे पास एक भी नहीं था, तो बहुत खुश हूँ ये वाले इयर रिंग्स से। नेक्स्ट वी हैव दिस ब्यूटिफुल सा डिब्बा जिसमें बहुत सारे इयर रिंग्स हैं, मैं निकालने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये वाले इयर रिंग्स की। ओके ओके, जो कि गोल्डन कलर पे है, एंड गोल्डन कलर के इयर रिंग्स लेने में तो यार कभी मैं सोचती ही नहीं हूँ, जस्ट बिकॉज कि गोल्डन इतना ज़्यादा वर्सटाइल होता है, आप इतने तरीके से गोल्डन को वेयर कर सकते हो कि मैं क्या बताऊँ। तो सी दिस दिस क्वालिटी आप देखना, बस जस्ट लुक एट द क्वालिटी गाइज, बहुत ही हाई क्वालिटी के और बहुत ही सुंदर से हैं ये सब। ऐसे है ना कि आपको इनके साथ ना नेक में नहीं भी पहनोगे तो चलेगा, ये वो वाले इयर रिंग्स हैं, तो बड़े सुंदर लगे मुझे। ये गोल्डन और वाइट में है, इसमें साइड में मोती का काम हुआ है। ओ वाओ, दिस इज़ सो ब्यूटिफुल, थोड़ा सा ना चांद बाली वाला लुक दे रहा है, तो मुझे बड़ा सुंदर सा लग रहा है ये। ये मैं जितने भी ऑप्शन दिखा रही हूँ आपको, इसमें से आपको कुछ नहीं तो तीन चार तो पसंद आएंगे, पक्का से पसंद आएंगे, और आप पक्का से बाय करोगे, और अगर बाय करोगे मुझे नहीं बताया तो मुझे बुरा लगेगा। तो आप कुछ भी लेते हो तो मुझे ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी पता हो ना कि आपको क्या क्या चीज़ पसंद आई है, तो मुझे ना आप लोगों के टेस्ट का थोड़ा आइडिया होता है। जैसे मैंने एक बार एक साड़ी ली थी पिंक कलर में अमेज़ॉन से, उसके बाद वो साड़ी इतने लोगों ने ली तो मुझे समझ में आ गया कि वो आपको पसंद आई। अब मैं ना वैसी ही साड़ियाँ ढूंढती हूँ कि जो कि आपको पसंद आए, मेरा दिखाना भी थोड़ा वर्थ हो। नेक्स्ट वी हैव दिस ब्यूटिफुल सा, ओ माई गॉड लुक एट द पीस, दिस इज़ सो ब्यूटिफुल, ऑरेंज एंड ब्लैक, एंड अब मुझे एक ऑरेंज और ब्लैक में साड़ी चाहिए, बिकॉज मेरे पास एक भी साड़ी नहीं है। ओ शिट, और ये जो साड़ी मैंने पहनी है ये एक इंस्टाग्राम स्टोर की है, मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट ज़रूर करिएगा। सो ओ माई गॉड, कसम से अभी मैंने कुछ ऑरेंज में पहना होता या ब्लैक में पहना होता ना, दिल खुश हो जाता है इसको, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर सा पीस है, इसमें ये जो डिज़ाइन बना हुआ है ये बहुत ही सुंदर सा लग रहा है, लेयर का यहाँ पर बड़ा सा स्टड मिल रहा है आपको, देन आपको ऐसा लटकन सा मिल रहा है, एंड देन यहाँ पर ये मोती लगे हुए हैं, तो बहुत ही सुंदर सा पीस है, बहुत ही लाइक दिल खुश करने वाला पीस है। अगर आप इनमें से कुछ भी बाय करना चाहते हो, लाइक अगर एक सिंगल पीस भी आपको बाय करना है, तो आपको इस इंस्टाग्राम स्टोर पे ज़रूर एक बार चेकआउट करना चाहिए, उनके पास और भी बहुत ही सुंदर सुंदर से कलेक्शन है, तो आप देख सकते हो। मेरी बहुत सारी ज्वेलरीज वहाँ से होती है, मैं खुद से भी खरीदती हूँ, वो भी मुझे भेजते हैं, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है उनकी ज्वेलरीज पहनना। नेक्स्ट वी हैव दिस ब्यूटिफुल सी चांद बाली छोटी सी, सो जो लोग ना बहुत हैवी कुछ नहीं पहनना चाहते उनके लिए परफेक्ट है, एंड मेरी ये वाली कॉस्ट्यूम से काफ़ी ज़्यादा नाच कर रही है। ओ माय गॉड, ये तो मैंने देखा ही नहीं, मैं वीडियो की शुरुआत इससे कर सकती थी। तो ये पिंक इन कलर में है, एंड ये आपका जो भी ऐसा कुछ आउटफिट हो जिसमें पिंक हो तो बड़ा सुंदर सा लगेगा। है क्या लग रहा है, सिर्फ पिंक कलर की चांद बाली टाइप की है, एंड ये जो पिंक है ये रानी वाला पिंक है, एग्जैक्टली ये वाला पिंक नहीं, ये भी पिंक है बट पता नहीं क्यों पिंक दिख नहीं रहा है, एंड यहाँ पर ये मोती लगे हुए हैं ऐसे, यहाँ पर एक स्टड मिल रहा है, तो ये वाले पीस भी बहुत अच्छे हैं। स्पेशली ना जिनके कान का जो छेद होता है वो बड़ा हो जाता है, उनके लिए ना ये वाले अच्छे होते हैं, बिकॉज ये ना थोड़ा सा कवर करते हैं, इसका जो ये वाला एरिया होता है, ये वाला एरिया, ये आपके उस जगह को कवर कर लेता है, तो वो सुंदर लगता है देखने में। अ ब्यूटिफुल इयर रिंग जो कि है ब्लू इन कलर में, दिस इज़ वेरी यू नो झटाक वाला कलर, ब्लू सा कलर, और ये कलर की साड़ी मेरे पास नहीं है, ये कलर की साड़ी मेरे पास नहीं है। आज मुझे एहसास हो रहा है मेरे पास कई कलर की साड़ियाँ नहीं है, तो ये भी सबका पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है, कुछ स्टार्टिंग वाले अलग हैं, इसलिए बिकॉज ये जो हॉल था ये मैं एक पूरा हॉल ही ऐसा बनाना चाहती थी जिसमें चांद बालीज, झुमकाज और थोड़े से ना भरे भरे वाले इयररिंग्स हों जिनके साथ आपको नेक में पहनने का ज़रूरत ही नहीं है। तो ये है वैसा कुछ, लुक एट द ब्यूटी गाइस, कितना सुंदर लग रहा है ये, मतलब दिल खुश करने वाला पीस है, ब्लू कलर में, बहुत ही यू नो आपके पूरे चेहरे में हाईलाइट होगा, मेरे पूरे चेहरे में मुझे यही सिर्फ दिख रहा है, तो ये ऑब्वियसली अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत पसंद आया, आपको भी पसंद आया होगा, बहुत ही सुंदर सा है। और कलर इसमें अवेलेबल है कि नहीं ये आप उनसे ही पूछ लेना सकते हो। नेक्स्ट वी हैव दिस ब्यूटिफुल सी झुमकी जो कि येलो इन कलर में है, और मुझे बहुत पसंद आई। जो लोग बहुत ही सिंपल पहनना चाहते हैं, जिनको इस हॉल में से कुछ भी समझ में नहीं आए क्योंकि सारी चीज़ें बड़ी बड़ी हैं, ये उनके लिए है स्पेशली। आप देख सकते हो बहुत ही प्रिटी सी झुमकी है, ये मेरी एक्चुअली ड्रेस के साथ नहीं जा रही है, बट
है बहुत प्रिटी सी, आप देखो। नान आमु मालदो हाल सुगा ओप्सोच्ची 첫눈에 반한다는 이